हमलावर नेपाल भाग गए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हमलावरों के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। जो शूटर्स थे वो नेपाल शायद भाग गए हैं, इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है। तो दो संदिग्धों के पकड़े जाने की जानकारी, दो लोगों को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस अब दोनों को मोगा लेकर पहुंची है। दिल्ली पुलिस की टीम नेपाल पहुंची है, ये भी जानकारी मिल रही है। और मूसेवाला के गांव पहुंचे भगवंत मान और उनके परिवार वालों से आज मुलाकात भी की गई। तो कुछ हमलावरों की पहचान हुई है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और पंजाब पुलिस अब दोनों को मोगा लेकर पहुंची है। तो मूसेवाला की हत्या में जो इस्तेमाल हुई थी बुलेरो गाड़ी, जो आपको इस सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रही है, ये फतेहाबाद में देखी गई। इसके बाद पंजाब पुलिस वहां पर पहुंची और दो लोगों को पकड़ लिया गया। सूत्रों के हवाले से कुछ हमलावरों की पहचान भी हुई है। तो लगातार जांच पड़ताल इस केस में की जा रही है। ये मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बुलेरो गाड़ी जो कि देखी गई, उसके बाद पुलिस वहां तक पहुंची और दो लोगों को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस अब दोनों को मोगा लेकर पहुंची है। अब ये अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। अब इनसे जब पूछताछ होगी तो पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इसके पीछे किसका इशारा था, और पूरी तरह से जो गैंग वॉर की ये बात की जा रही है इसको लेकर भी और खुलासा हो पाएगा। तो हमलावर कौन थे इसको लेकर अब और जानकारी मिल पाएगी। जब दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और पंजाब पुलिस ये बोलेरो गाड़ी देखने के बाद वहां पर पहुंची और हरियाणा से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। शूटर्स के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है, नेपाल में छिपे हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम नेपाल पहुंची है। तो अब एक और बड़ा स्थल नेपाल, जो कि अहम कड़ी के रूप में साबित हो सकता है, वहां पर छिपे हो सकते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची है, वहां पर भी जांच पड़ताल की जाएगी। शूटर्स के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है।